जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 20 अर्थात 20 पे। और दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स अनुपाते वाई बराबर 4:5 हो तो 5x-3y अनुपाते 6x+3y का मान ज्ञात करना है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न क्या है, x अनुपाते y बराबर कितना है, 4:5। तो मान किसका निकालना है, 5x-3y। दोस्तों अनुपात है तो इसको आप पट्टे में लिख सकते हैं या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके दोस्तों कितना है, 6x+3y हो गया ना। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। क्या क्या मान है आइए रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, 4 है और y का मान कितना है, 5 है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 4 रखना है, और जहाँ जहाँ y आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 रखना है। आइए रख के देखते हैं। तो 5 x के स्थान क्या रखें ये बताइएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया, -3। y के स्थान क्या रखना है, 5, ये हमने रख दिया है। यही प्रोसेस इसमें भी करते हैं, 6 × x स्थान कितना रखना है, 4 रखना है, y का स्थान कितना रखना है दोस्तों, 5 रखना है, रख दिए हैं। अब इसको गुणा करते हैं, 5 × 20 हुआ, -5 × 3 = 15 हुआ, क्लियर है। अनुपाते 6 × 24 हुआ, +5 × 3 = 15 हुआ। अब दोस्तों इसको घटाते हैं और इसको जोड़ते हैं और हम अपना आंसर लाते हैं। 20 में से 15 घटाएंगे दोस्तों कितना होगा जल्दी बताइए, 5 हुआ अनुपाते, और 24 और 15 कितना होता है जल्दी बताइएगा, 39। तो इस तरीके दोस्तों हमारा ये क्लियर आंसर हुआ, क्या, 5:39। तो इस तरीके दोस्तों 5x-3y अनुपाते 6x+3y का मान जो है 5:39 होगा। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया है तो इसको हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो दोस्तों इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि 17:19 में से क्या घटा दे कि अनुपात क्या हो जाए, 5:7 हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 17:19 दिख रहा है, इसको हम अनुपात में है ना, बताया ऐसा है कि अनुपात में है तो उसका मतलब बटा होता है, तो इसको आप 17/19 लिख सकते हैं। इससे बोला प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, घटाने के लिए बोल रहा है, इसलिए आप मान लीजिए माना यक्स घटाने पर, देखिए दोनों में से हमने घटा दिए यानी अंश और हर दोनों में हमने यक्स घटा दिया। अनुपात 5:7 हो जाता है, अनुपात मतलब बटे यानी 5/7 हो जा रहा था, क्लियर है। ये हमने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है, आपको समझ में आना चाहिए बस। आइए दोस्तों इसको हम त्रिया गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। चलिए 19 का गुणा 5 में करते हैं या 5 × 19 में करते हैं, 19 × 5 कितना होता है दोस्तों जल्दी बताइए, 19 × 5 = 95 हुआ, फिर माइनस 5 × x में किए 5x हुआ बराबर 17/7 कितना होता है, 119 होता है, माइनस और 7 × x में कि दोस्तों कितना हुआ, 7x। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये 7x अर्थात x दिख रहा है और यहाँ पे x, तो x वाला भाग x के पास कर दिए, बगैर x वाला बगैर x के पास पहुँचा दीजिए, तो ये -5x है और ये -7x है, बराबर किस तरफ आया, +7x बराबर 119। तो ये प्लस था दोस्तों, बराबर उस तरफ गया, -95 हो गया।
अब दोस्तों इसको घटाते हैं, 7x में से 5x घटाएंगे कितना हो गया जल्दी बताइएगा, 2x हुआ। 119 में से अगर 95 घटाते हैं दोस्तों कितना रहा है, 24। अब दोस्तों x बराबर 24 बटे कितना हुआ, 2। 2 से हम काट देते हैं कितना हुआ 12। तो x मान कितना है दोस्तों 12। ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको आप जल्दी से कॉपी में उतारिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है 5 क्रमागत सम संख्याएं, मतलब 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले ए, क्लियर है, बी सी डी ई, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तथा ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सम संख्याएं बोल रहा है ना, देखिए सम संख्याएं, तो इस तरीके से क्रमागत जब भी बोले तो ध्यान दीजिएगा, तो माना 5 क्रमागत सम संख्याएं, पहली x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, देखिए सम है ना 2 4, और ये x प्लस 6 हो गया, और ये x प्लस 8 हो गया। देखिए ये क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या हो गया है। अब रही बात दोस्तों फार्मूला की, क्या फार्मूला इसमें लगाना है, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, कि औसत, औसत बराबर, क्लियर है, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग, या आप ऐसे लिख सकते हैं कुल संख्या बटे योग, ऐसे लिख सकते हैं, या कुल संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग, क्लियर है। देखिए कुल संख्या कितनी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, क्या मतलब है, योग बटे, योग बटे कुल संख्या, ये आप ऐसे कर दीजिए, क्लियर है। यानी कुल संख्याएं कितनी है, ये है ना, इनका योग कर दिए, योग मतलब जोड़ना होता है। चलिए जोड़ते हैं, एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यहाँ तक हो गया काम। अब पूरे बटे कुल संख्या कितनी गिन डालो, 1 2 3 4 5, 5 है तो हमने 5 का भाग दे दिया। औसत दोस्तों कितना दिया है, यहाँ पर 66 दिया है, तो औसत के स्थान पर हमने 66 लग दिया। तिरिया गुणा करते हैं, 5 गुणा 66 में करते हैं, 5 6 30 हुआ, 5 6 30 3 33 हो गया बराबर। अब इसको अगला जोड़ते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x हो गया ना, प्लस 8 6 14 14 18 18 2 20 हो गया, प्लस 20 था इस तरफ आया, माइनस हो गया, तो 330 माइनस कितना हुआ 20 बराबर 5x हुआ। 330 में से 20 घटाएंगे, 310 बराबर 5x हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, 5 को इस तरह भेज देते हैं, 310 बटे कितना हुआ 5 बराबर x हुआ, 5 से काटते, 5 6 30 हुआ, और 5 2 10। तो इस तरीके से x का मान कितना है दोस्तों, चलिए बताइएगा, 62 आ गया, x का मान कितना आया 62। अब ये 62 क्या करना है दोस्तों, हमें कहाँ रखना है, b तथा e वाले संख्या में, b कितना है x प्लस 2 और e कितना है x प्लस 8। आइए इसको हम करते हैं, तो गुणनफल बोला है तो ध्यान दीजिएगा, b का गुणन, b कितना है x प्लस 2 हो गया, गुणनफल बोला है तो गुणा लगा दीजिए, और e कितना है x प्लस 8, ये हो गया। तो x का मान कितना निकला है, चलिए बताइए भाई, 62 है, तो चलिए 62 रख देते हैं, प्लस 2 ये हो गया गुणे, फिर यहाँ पर x का मान कितना है जल्दी बताइएगा, 62, तो यहाँ हमने 62 प्लस 8 रख दिया। चलिए 62 2 कितना होता है,
64 होगा गुड़े, और 62 कितना होता है 70, गुणा कर दीजिए। 7 4 28 हुआ, 7 6 42, 42 2 कितना होता है 44। इस तरीके से 4480 हमारा क्लियर आंसर हुआ। समझ में आ गया है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। प्रश्न क्या है आप सुनिए। प्रश्न है दोस्तों, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। 3 5 6 9 ये ऑप्शन है, इसको हल करिए और प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए प्रश्न का। दोस्तों ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 सेम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, सेम उसी तरीके से आपको हल करना है और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 12 8 9 6 2 3 5 9 10 36 24, ये खाली डिब्बा है। तो इस डिब्बे में क्या आंसर होगा एक नियम के अनुसार क्लियर है, उसको हल करिए और इस खाली डिब्बे में सही आंसर दीजिए। ऑप्शन है क्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का लेक्चर बस इतना ही और कल के लेक्चर में हम अगला कुछ नया देखेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।